डालट ला में हमने खास तौर पर देखा था कि उस डाल्टन ला से रिलेटेड एमसीक्यूज और नमेरिकल हम कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं विद इन अट्ठा इस लेक्चर में हम देखेंगे डाल्टन ला की एप्लीकेशन डाल्टन ला की पहली एप्लीकेशन है कि हम गैस का इसके साथ वाटर वेपर भी अटैच हो गए हैं यानी मॉइस्ट गैस है वेट गैस है उसका प्रेशर निकाल सकते हैं देखें लेबोरेटरी में जब गैसेस को हम प्रीपेयर करते हैं तो दे आर कलेक्ट

ये वाटर जो है इसका लेवल नीचे आता जाता है अब यहाँ पर गैस ऐसी होनी चाहिए जो वाटर के साथ रिएक्शन ना करे नॉन रिएक्टिंग गैस होनी चाहिए अगर गैस वाटर में सॉल्युबल है या गैस रिएक्टिव है वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है दोनों सूरतों में फिर यहाँ पर पार्शल प्रेशर गैस का नहीं निकलेगा क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगी वो कलेक्ट नहीं होगी नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो, हो जाएंगे तो ना वो रिएक्शन करे ना ही वो सॉल्युबल होनी चाहिए तो जब हम इसमें गैस फॉर एग्जांपल यहाँ पर गैस है तो हाइड्रोजन गैस है हाइड्रोजन गैस जब हम भेजते हैं इस तरह से प्रिपेयर हो रही है और ये इस ट्यूब के जरिए जा रही है इन्वर्टर टेस्ट ट्यूब में या जार में जैसे जैसे ये गैस यहाँ पर जमा होती जाएगी सिलेंडर में इस जगह पर टेस्ट ट्यूब में वैसे वैसे वाटर का लेवल नीचे आता जाएगा यानी ये गैस यहाँ पर कलेक्ट हो गई है क्योंकि लाइटर है ये वाटर से ऊपर चली गई है वाटर नीचे आ गया अब यहां से ये गैस वाटर में से पास करके जा रही है इट मीन्स गैस बिकम मॉयस्ट गैस बिकम वेट अब इस गैस का अगर हम पार्सल प्रेशर निकालें तो ये गैस का नहीं होगा गैस के साथ साथ वाटर वेपर्स का प्रेशर भी होगा क्योंकि गैस वेट है मॉयस्ट है तो इस गैस में ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर का प्रेशर भी आ चुका है यानी इसका प्रेशर इस गैस का प्रेशर, ड्राई गैस के प्रेशर से ज्यादा होगा ड्यू टू वाटर और वाटर वेपर्स के प्रेशर को कहते हैं एक्वस टेंशन जिसकी वैल्यूज नॉन होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर हमें डिफरेंट टेम्परेचर पर पता होता है तो ये एक्वस टेंशन हो गया अब हमने फाइंड करना है ड्राई गैस का प्रेशर तो इसका मतलब है वेट गैस में से एक्वस टेंशन निकाल देंगे जब वेट गैस में से एक्वस टेंशन निकालेंगे तो ये ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा तो ड्राई गैस का प्रेशर किसके बराबर होगा वेट का माइनस एक्वस टेंशन यानी वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसको आप ऐड ना करें तो वो ड्राई गैस का प्रेशर आ जाएगा तो इस तरह से हम पार्शल प्रेशर निकाल सकते हैं ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैस विच इज कोलेक्टेड ओवर वाटर दूसरी एप्लीकेशन है रेस्पाइरेशन में रेस्पाइरेशन का ही एक पार्ट है ब्रीथिंग ब्रीथिंग में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है और एक्सलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है और ऑक्सीजन इनहेल होती है. अब ऑक्सीजन इनहेल क्यों होती है एक्चुअली पार्शल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर एयर में है वो 159 फिफ्टी टॉर है जबकि लंग्स में इसका प्रेशर 116 वन सिक्स टॉर है यानी ऑक्सीजन का प्रेशर एयर में ज्यादा है हमारे लंग्स में कम है तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू लंग्स चली जाती है अगर हम इसके ब्रक्स देखें कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में प्रेशर पॉइंट थोड़ा है दरमियान होता है तो चूंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से एयर में चली जाती है तो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग इज ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्शल प्रेशर किसी भी गैस का पार्सल प्रेशर निकालते कैसे हैं? जितनी गैस की परसेंटेज होती है उसको हंड्रेड से डिवाइड करके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल एयर में ऑक्सीजन अगर ट्वेंटी वन परसेंट है या ट्वेंटी परसेंट है ऑक्सीजन तो का यहां पर प्रेशर कैसे निकलेगा जितनी ऑक्सीजन की परसेंटेज है डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू सेवन ऑलमोस्ट वन फिफ्टी टू आ जाएगा क्योंकि हमने परसेंटेज ट्वेंटी रखी है ये जीरो उड़ जाएंगे तो सेवन टू नाइट्रोजन का प्रेशर निकालना है तो नाइट्रोजन की परसेंटेज सेवेंटी एट होती है टोटल हंड्रेड इंटू सेवन सिक्सटी है नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा पार्सल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पॉइंट जीरो थ्री परसेंट डिवाइड कर दें हंड्रेड से और मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्रेशर से यानी आपको परसेंटेज अगर पता हो तो आप पार्शल प्रेशर निकाल सकते हैं और अगर पार्शल प्रेशर पता हो तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेवन सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज से पार्सल प्रेशर निकालने का तरीका है अब है रेस्पायरेशन एट हाई आल्टीट्यूड जैसा कि ये जो पायलट्स हैं या ये जो माउंटेनियर्स uh, हैं जो माउंटेन्स पर जाते हैं अब जो पायलट्स का केबन होता है ये प्रेशराइज्ड होता है यानी उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ऑलमोस्ट 159 के अराउंड या 150 से 160 के दरमियान कहीं एडजस्ट किया होता है कंफर्टेबल ब्रीथिंग नॉर्मल ब्रीथिंग कहां पर होती है कंफर्टेबल ब्रीथिंग होती है सी लेवल पे 760 सिक्सटी टॉर प्रेशर है एयर का और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 159 सी लेवल को हम आ, कहते हैं ये जीरो फीट है ये हमारा स्टैंडर्ड है हाइट के लिए ये जीरो फीट हाइट है इस प्रेशर पर ब्रीथिंग का प्रोसेस नॉर्मल होता है अब अगर प्रेशर यहां से कम कर दें, जैसे देखें मरी हिल्स में 700 और है, सिंपल सी बात है अगर टोटल प्रेशर कम हो रहा है तो इट मींस ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होगा और ऑक्सीजन का प्रेशर अगर कम होगा तो वो कंफर्टेबल ब्रीथिंग नहीं होगी अब मरी जैसे सी लेवल जीरो फीट हाइट है मरी कितनी हाइट पे है ऑलमोस्ट साढ़े सात हजार फीट हाइट पे है जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर ऑक्सीजन का टोटल प्रेशर कम होता जाएगा और हाइट बढ़ती चली जाएगी ब्रीथिंग कंफर्टेबल नहीं रहेगी अगर माउंट एवरेस्ट को देख लें टोटल प्रेशर कितना है थ्री ट्वेंटी थ्री इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ही कम हो चुका होगा यानी टोटल प्रेशर कम हो रहा है तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का भी उसी में है क्योंकि टोटल प्रेशर क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और आर्गोन का प्रेशर इन तीन गैसेस का प्रेशर टोटल प्रेशर होता है ये जो हम कहते हैं ना सेवन सिक्सटी टॉर ये होता है एक होता है नाइट्रोजन जो सबसे अबंडेंट है फिर ऑक्सीजन है और फिर तीसरे नंबर पर जो अबंडेंस है वो आर्गोन की है तब से गैस एयर में नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन है फिर आर्गोन है इन तीनों का प्रेशर है 760 और इस 760 में फिफ्टी नाइन टॉर कंट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन का अब ये टोटल प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है नाइट्रोजन भी कम होगी ऑक्सीजन भी कम होगी आर्गन यानी ओवरऑल गैसेस का प्रेशर भी कम हो जाएगा जो कि माउंट एवरेस्ट पे जाके 323 रह गया है इसका मतलब है उसकी हाइट और भी ज्यादा होगी है आलमोस्ट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फीट कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं कमर्शियल फ्लाइट अबाउट फोर्टी थाउजेंड फीट ये थर्टी फाइव से फोर्टी थाउजेंड फीट के दरमियान फ्लाई करती हैं तो यहाँ पर तो और भी प्रेशर कम हो जाएगा अब चूंकि फ्लाइट्स में यहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है हाइट बहुत ज्यादा है हाइट ज्यादा होने की वजह से ये जो प्रेशर है कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर तो और भी कम हो जाएगा इसका मतलब है यहाँ कंफर्टेबल ब्रीथिंग नहीं रहेगी फिर क्या किया जाता है फिर एरोप्लेन में बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइन होती हैं जो एयर को कंप्रेस करती हैं और फिर उस कंप्रेस्ड एयर को केबन में थ्रो किया जाता है एरोप्लेन में केबन में ताकि उसका प्रेशर एडजस्ट रहे और उसको हम कहते हैं प्रेशराइज केबन जिसका प्रेशर 150 से 160 सिक्सटी टॉर के दरमियान यानी ऑक्सीजन का प्रेशर 150 से 160 सिक्सटी टॉर के दरमियान एडजस्ट किया होता है इस तरह से जो पायलट होते हैं उनको जो जो उनका केबन है उसको प्रेशराइज रख के उनको नॉर्मल ब्रीथिंग के प्रोसेस जो है वहां पर रखा जाता है ताकि वो कंफर्टेबल रहे अदरवाइज ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो डिजीनेस होगी डिजीनेस होगी तो फेंट यानी अनकॉन्शियसनेस और ज्यादा देर तक ऑक्सीजन कम में आप ब्रीद करें तो फिर डेथ भी हो सकती है नेक्स्ट है रेस्पिरेशन अंडर सी वाटर देखिए जैसे जैसे आप वाटर में नीचे को जाएंगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा ऊपर को जाते हैं तो प्रेशर कम होता है नीचे को जाते हैं तो बढ़ता है जब वाटर में जाते हैं पता क्या है वजह है कि जो सी वाटर है जो वाटर है उसका अपना भी प्रेशर है उसका जो अपना प्रेशर है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है वाटर का प्रेशर आ जाता है साथ सी लेवल जीरो फीट, 760 ब्रीदिंग है अब आपको पता है हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जो तो वेट गैस होती है उसका प्रेशर ड्राई गैस से ज्यादा है यानी एयर का प्रेशर सेवन सिक्सटी टॉर है लेकिन जब उसके साथ वाटर वेपर भी लग जाएंगे तो उसका प्रेशर और बढ़ जाएगा वाटर की वजह से तो जो नीचे को जाते हुए प्रेशर बढ़ता है ऑफ़ वाटर 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 वेपर्स अपना प्रेशर करता है अगर वाटर में हंड्रेड फीट डेप्थ तक डाइव किया जाए तो प्रेशर थ्री एटीएम तक बढ़ जाता है पहले कितना होता है नॉर्मल नॉर्मल होता है वन एटीएम जब 100 फीट डेप्थ पे जाते हैं तो थ्री एटीएम बढ़ जाता है इसका मतलब टोटल फोर एटीएम यहां पर प्रेशर एक्सपीरियंस करता है डाइवर वाई दिस इज ड्यू टू द वाटर वेपर्स की वजह से है गैस चौंके वेट है प्रेशर 760 सिक्सटी टॉर नॉर्मल है 100 फीट तक डेप्थ करेंगे तो थ्री ए टी बढ़ेगा यानी टोटल 100 फीट पर प्रेशर एक्सपीरियंस होता है दैट इज 100 फीट दैट इज 4 एटीएम 100 फीट पर क्योंकि 3 एटीएम बड़ा है तो इतना प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं अब क्योंकि यहां पर इसका मतलब है कि यहां पर नॉर्मल एयर फिर नहीं है क्योंकि प्रेशर यहां पर 3 एटीएम बढ़ गया है तो ये नॉर्मल प्रेशर नहीं है नॉर्मल प्रेशर तो 1 एटीएम है यहां नॉर्मल एयर भी नहीं है इसका मतलब है यहाँ पर कंफर्टेबल ब्रीदिंग भी नहीं होगी इतने ज्यादा प्रेशर पर याद रखिएगा नाइट्रोजन ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है और ब्लड में डिफ्यूज करने की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है तो अब हमें प्रेशर एडजस्ट करना है हमें अगर हंड्रेड फीट तक डाइव करना है तो आपको पता है हंड्रेड फीट पर जाकर बॉडी ने जो प्रेशर एक्सपीरियंस करना है वहां पर जाकर वो फोर एटीएम है तो हमें फिर इसका ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर एडजस्ट करके लेके जाना है किसी गैस के साथ और वो कौन सी गैस है हीलियम हीलियम बहुत स्मॉल साइज है ये नाइट्रोजन की तरह ब्लड में डिफ्यूज तो करेगा लेकिन नाइट्रोजन डिफ्यूज करने के बाद निकलता बहुत स्लोली है वापस तो हम क्या करते हैं नाइट्रोजन फिर नहीं लेके जाते क्योंकि अगर नाइट्रोजन लेके जाएंगे तो फिर नेक्रोसिस हो सकता है नेक्रोसिस टिश्यू डैमेज जब वो ब्लड में जाएगा तो उसमें टिश्यू डैमेज हो सकते हैं इसके अलावा जब नाइट्रोजन वाला अगर आप सिलेंडर लेके जाएंगे साथ नाइट्रोजन वाला सिलेंडर ड्राइवर कैरी करके लेके जाएगा और अगर वो हंड्रेड फीट टू हंड्रेड फीट थाउजेंड फीट से वापस जल्दी जल्दी ऊपर आने की कोशिश करेगा तो नाइट्रोजन ब्लड में से डिफ्यूज करके बाहर नहीं आएगी इतनी जल्दी जब इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगी तो हो जाते हैं और ये ज्यादा भी हो सकते हैं इससे डेथ भी हो सकती है अगर फौरन इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दी जाए तो फिर नाइट्रोजन को मिक्स करके नहीं ले जाते प्रेशर एडजस्ट करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन के साथ इसको कहते हैं हीलियम और ऑक्सीजन को कहते हैं हेलियक्स तो ये मिक्स करके लेके जाते हैं प्रेशर अब कितना रखा जाता है इनका प्रेशर इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ऑक्सीजन का और हीलियम का कि यहाँ पर जब पहुंचे तो ये वन एटीएम प्रेशर एक्सपीरियंस करे नहीं जब ये पहुंचे हंड्रेड फीट डेप्थ पर तो ऑक्सीजन का जो तो प्रेशर है वो वन से 160 टॉर्क के दरमियान यानी 159 टॉर्क के दरमियान रहे क्योंकि नीचे को जाते हुए प्रेशर बढ़ना है तो इसलिए हम ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑक्सीजन का प्रेशर इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जब 100 फीट पर पहुंचे तो जो प्रेशर हो वो 159 फिफ्टी टॉर के अराउंड हो जाए इससे ज्यादा ना हो यानी इसकी परसेंटेज कम लेके जाते हैं और इसका प्रेशर एडजस्ट किसके साथ करते हैं हीलियम के साथ इसको एडजस्ट करके लेके जाते हैं अब हीलियम कितने परसेंट होगा ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा ये डिपेंड करता है कि जो डाइवर है उसने कितनी जो डेप्थ है वहां तक डाइव करना है तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो लेक्चर है डाल्टन ला की एप्लीकेशंस जिसमें हमने एप्लीकेशंस देखी कि हम प्रेशर निकाल सकते हैं मॉइस्ट गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं मॉइस्ट गैस के साथ साथ रेस्पाइरेशन में एप्लीकेशन है जिसमें सिंपल ब्रीदिंग है जिसमें पार्सल प्रेशर डिस्कस करते हैं उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंपल ब्रीथिंग के बाद आ जाता है एट हाई आल्टीट्यूड पे जो ब्रीथिंग है और हाई आल्टीट्यूड के ब्रीथिंग के बाद है कि ये जो स्कूबा डाइविंग होती है ये जो अंडर वाटर जो डाइविंग है जो ये डाइवर्स हैं ये कौन सी गैसेस मिक्स करके लेके जाएंगे तो ये हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके लेके जाएंगे अपने साथ उसका प्रेशर एडजस्ट करके नाइट्रोजन नहीं लेके जाते क्योंकि नाइट्रोजन ब्लड में डिफ्यूज करता है नेक्रोसिस काज करता है बैंडस हो सकते हैं और अगर नॉर्मल एयर लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड तो इसलिए उसको एडजस्ट करके लेके जाना होता है थैंक यू वेरी मच